आपके साथ मैं हूं अनुजा। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की तारीख पर सभी की नजरें टिकी हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा है कि जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल होगा। सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ समारोह को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा है कि कैबिनेट में फेरबदल जल्द होगा। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को AICC अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा था कि राज्य में बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल का फैसला कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है, जो तय करेगा कि कब करना है। उन्होंने कहा है था कि कैबिनेट विस्तार कब होगा यह आला कमान तय करेगा, मैंने तो जानकारी दी है। अजय माकन राजस्थान आते जाते रहते हैं और उस पर भी पास अब जारी है। उन्होंने कहा है कि माकन इस फैसले के बारे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य से बात करेंगे। घटनाक्रम से वाकिफ एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कैबिनेट में फेरबदल अगले हफ्ते की शुरुआत में होगा। गहलोत के पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के पिछले साल उनके खिलाफ बगावत करने के बाद से कैबिनेट फेरबदल का इंतजार किया जा रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा है कि पायलट के सहयोगियों को कम से कम 4 मंत्री पद और गहलोत के करीब 5 को मिलने की संभावनाएं हैं। मंत्री परिषद में 9 रिक्तियां हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में 21 सदस्य हैं, जिस राज्य में विधायकों की संख्या 200 है। उस समय में मंत्री परिषद में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।